गाइस, स्वागत है आपका जीरो से हीरो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सब आप लोगों के प्यार के वजह से ही और आप लोगों के सब्सक्राइब करने की वजह से हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो आपको आने वाले वीडियो एक 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बताऊँगा आपको। और आप दोस्तों ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हम वीडियो आपको लाते रहेंगे। तो चलिए आपके लिए देखिए, एक सोनी का म्यूज़िक सिस्टम हमारे पास आया हुआ था। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, सोनी का ये मिनी हाईफाई कॉम्पैक्ट सिस्टम है, जो AV7000D का 777D ऐसा इसका मॉडल है। इसमें देखिए दोस्तों, मेरे पास जब ये आया था तो जब इसमें ऐसा फॉल्ट था कि इसे जब हम ऑन करते थे तो ऑन करने पे ये ऑन तो होता था, बट ऑन करने के बाद इसमें, चलिए आपको बता दूं, एक बार लाइन लगा कर देता हूँ मैं, इसे हम लाइन देते हैं। ये देखिए अभी ऑन होगा, ये देखो डिस्प्ले वगैरह सब आ चुका है, अभी ये ऑन कंडीशन में है। स्टार्टिंग में भी जब हमारे पास ये आया था तो उस टाइम पे ये ऑन कंडीशन में था। इसके अंदर हम जब ऑडियो देते हैं तो ऑडियो थोड़ा चल रहा था, और ऑडियो थोड़ा जलने के बाद ये प्रोटेक्शन में जा रहा था। उसके बाद में हमने इसका प्रोटेक्ट वगैरह का थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट जो भी था इसमें, वोल्टेज वगैरह वो सब हमने कम्प्लीट किया, और उसके बाद भी इसे ऑन किया तो भी ये फिर से प्रोटेक्शन में जा रहा। आप क्या प्रोटेक्ट आ रहा है आपको बताता हूँ। देखिए मैंने इसे ऑन किया, इस साइड से देखिए पूरा खोल कर रखा हूँ मैं इसे, और इसके बाद ये पीछे भी हमने दो टर्मिनल पर देखिए हमारा स्पीकर लगा दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे इसे, चलिए अब हम इसे गेम का बटन दबाकर इसे इनपुट देंगे हम। तो जैसे मैं गेम का बटन दबाता हूँ, देखिए आप देखो 3 बार ब्लिंक हुआ ये गेम, और उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन में आ गया है। देखिए इस टाइप का प्रोटेक्शन आ रहा है। मैं फिर से इसे एक बार लाइन में से निकालता हूँ, फिर से लाइन दिया मैं, ठीक है, फिर से ऑन हुआ, फिर से इसे हम पावर ऑफ करते हैं, ये पावर हो गया, गेम का बटन दबाएंगे, ये देखिए गेम चला गया डिस्प्ले, ये देखिए ब्लिंक में चला गया, देखिए। तो इस टाइप का फॉल्ट अगर आपके पास भी आए तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बता देते हैं आने वाले फॉल्ट का भी। तो चलिए एक बार इसे पूरा क्लोज लुक ले लेते हैं, इसे एक बार इसे प्लग से हटाता हूँ। ये देखिए दिखने में सामने से इस टाइप का है ये। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा किस टाइप का नॉलेज है क्या है। इस साइड से भी मैं ओपन कर चुका हूँ दोस्तों इसे, और आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बता देता हूँ इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है आने वाले समय पर। देखिए यहाँ पर हमारा ये एसी का पावर केबल है। पावर केबल जाने के बाद अगर आपके पास कोई इस टाइप का आता है तो इस एसी लीड के बाद में देखिए यहाँ पर एक रिले है। ये रिले जब तक ऑन नहीं होगा जब तक आपका ये ट्रांसफार्मर भी ऑन नहीं होगा। जब ये रिले ऑन होगा उसी के बाद ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा। अगर आपके पास कुछ नो पावर का भी इशू आता है, जैसे कि आपने इसे पावर प्लग में लगा और उसके बाद ये ऑन नहीं होता है, तो इस लाइन पर आपको एसी करंट तो आएगा, बट इस ट्रांसफार्मर पर एसी करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर एक रिले दिया हुआ है। जब ये रिले ऑन होगा उस टाइप पर ये ट्रांसफार्मर ऑन होगा, और उसी के बाद यहाँ पर देखिए सेकेंडरी में बहुत कुछ वोल्टेज है इसमें, ये 35035 है, 20020 भी हो सकता है, 15015 5, यानी कि सब इसमें। देखिए दोस्तों DVD है, DVD के बाद इसमें FM भी है, FM के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में इसमें देखिए दो टेप है, ए साइड बी साइड, उसके बाद इसमें FM ट्यूनर भी है, उसके बाद में ऊपर DVD प्लेयर भी है, और उसके बाद में एम्पलीफायर भी है, यानी कि 4-in-1 बोल सकते हैं आप इसे। और इसमें 100+100 वाट का एक एम्पलीफायर बोर्ड भी है इसमें, उसे ऑन करने के लिए भी इसी ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जा रहे हैं। तो इसमें 3 से 4 वोल्टेज बनेंगे पैनल के लिए, DVD के लिए, अपना
पावर एम्पलीफायर के लिए, और उस साइड में एक कंट्रोल पैनल है उसके लिए भी यही से वोल्टेज बनेंगे। ये इसका पूरा कंट्रोल पैनल है, देखिए इस साइड में पूरा इसका कंट्रोल पैनल है। तो चलिए आपको इस साइड से मैं इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करता हूँ ज़रा। यहाँ पर एक कनेक्टर है डिस्प्ले के लिए, यहाँ पर देखिए सभी वोल्टेज का मेजरमेंट है, सब वायर किधर जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक आईसी है और यहाँ पर भी एक आईसी है। इन कनेक्टरों पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इनका आईसी का वोल्टेज मेजरमेंट और कौन से कनेक्शन कहाँ जा रहे हैं उस टाइप का भी एक लिखा हुआ है। उसके बाद इस कनेक्टर पे कौन से वोल्टेज जा रहे हैं उस टाइप का भी लिखा हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दो कनेक्टर हो रहे, आपको बताता हूँ मैं। एक ये वाला कनेक्टर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर दो कनेक्टर है। ये एक कनेक्टर है जो 15 पिन का है, और इस साइड में भी एक 15 पिन का कनेक्टर है, आपको बता देता हूँ मैं। ये देखिए तो यहाँ पर दो कनेक्टर है, मैं आपको थोड़ा आसानी से बता देता हूँ मैं एक बार। ये देखिए ये नीचे वाला, ये पहला कनेक्टर और ये दूसरा कनेक्टर। इस दूसरे कनेक्टर के सामने देखिए एक 15 पिन का कॉम्प्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए एक नंबर पे हमारा डीसी डिटेक्ट, दूसरा है ओवरलोड डिटेक्ट, तीसरा है डीवीडी पावर, यानी कि यहाँ पर कुछ भी फॉल्ट आएगा तो ये रिले वगैरह यहाँ पर प्रोटेक्शन वगैरह की सब सप्लाई है। उसके बाद में दूसरे कनेक्टर पर यहाँ पर देखिए ये VSC S2, यानी कि ये सब STK म्यून प्रोटेक्शन फैन डिटेक्ट, यहाँ पर इस मदरबोर्ड में सब कंट्रोल है कि हमारा फ़ैन कब ऑन होना चाहिए, हमारे इस एम्पलीफायर बोर्ड पर ओवरलोड है या नहीं, DVD ऑन है या नहीं, ये सब कंट्रोल यहीं से होता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी कंट्रोल बोर्ड पे आता है, चलिए आपको मैं बताता हूँ। इस टेप में जो इस म्यूज़िक सोनी के जो म्यूज़िक सिस्टम का जो टेप है, इसमें जो क्या फॉल्ट आया है कि हम जब इसे ऑन करते हैं, चलो आपको फिर से एक बार बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, वो बताता हूँ मैं आपको। आपको दोस्तों जिस किसी भी डिवाइस पर आप जैसे कि रिपेयरिंग कर रहे हो, उस डिवाइस का आपको सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज होगा तो आप कोई भी चीज़ 100% आप रिपेयर कर पाओगे। फिर से एक बार देखिए, इसे मैं पावर प्लग करता हूँ। पावर प्लग करने के बाद देखिए ऑन हो चुका है, मैं इसे गेम मोड पर डालता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो लिखा है गेम मोड, यानी कि ऑडियो इनपुट, हम ऑडियो के इनपुट करने के लिए हमें इसे गेम मोड पर डालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं गेम मोड पर डालता हूँ, ये देखिए गेम मोड पर आया, ये देखिए प्रोटेक्शन में चल चुका है, इसका प्रोटेक्शन LED। एक तो गेम मोड पर डालने के बाद एक तो ये इनपुट में फॉल्ट है, या इसके बाद इसके ऑडियो बोर्ड, यानी कि हमारा 100+100 वाट का जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसमें फॉल्ट है। ये फॉल्ट हमें पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमें। थोड़ा इसे लगा लेता हूँ, एक ही हाथ से वीडियो बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए वीडियो को। आने वाले समय में हम थोड़ा कोशिश करेंगे आपको बेहतर वीडियो देने की। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक नंबर पिन पर लिखा है हमारा DC डिटेक्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, इस DC डिटेक्ट का जो पिन है हम पहले इसे कट करेंगे। चलिए आपको बताता हूँ मैं किस तरह से। ये यहाँ पर देखिए एक नंबर का पिन इसका DC डिटेक्ट का पिन है, यहीं से ये पिन निकल कर आपको थोड़ा क्लियरली बताने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से पिन निकल कर इस साइड से होकर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये इस पर आ रहा है। तो पहले हम कैपेसिटर की पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कैपेसिटर की पहले लाइन को हम कट करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले कट किया था बट आपको बताने के लिए मैं उसे शोल्डरिंग करके रखा हूँ, मैं उसका शोल्डर हटाता हूँ। देखिए दोस्तों को क्लियरली दिखता होगा, देखो मैंने उसे कट कर लिया है।
तो एक नंबर का था हमारा डीसी डिटेक, वे डीसी डिटेक को मैंने हटा लिया है। चलो इसके बाद हम देखते हैं हमारा म्यूज़िक सिस्टम ऑन हुआ कि नहीं, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है। फिर से हमने इसे ऑन किया है, ऑन करने के बाद देखिए हम इसे गेम मोड पर डालेंगे। देखिए गेम मोड पर डाला हमने, नहीं फिर से ये प्रोटेक्शन में है दोस्तों, ये डीसी डिटेक का फॉल्ट नहीं है। अभी इसके बाद हम और एक लाइन को कट करेंगे। चलिए और कौन सी लाइन है हम देखते हैं। वीडियो क्लियर हो चुका है। उसके बाद दो नंबर पर देखो दोस्तों, आप यहाँ पर लिखा है दो नंबर पर ओवरलोड डिटेक्ट। अब हम ओवरलोड डिटेक्ट यानी कि दो नंबर की पिन है, तो इसकी जो दो नंबर की पिन है, तो वीडियो क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जो दो नंबर की पिन है, दो नंबर की पिन यहाँ से घूमकर इस साइड से घूमकर इस कैपेसिटर पर गई है। आपको इस कैपेसिटर को भी थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ मैं। इस साइड में इस कैपेसिटर के लाइन पर गई हुई, देखिए दोस्तों इस कैपेसिटर पर दो नंबर के हमारा ओवरलोड डिटेक्ट गया हुआ है। हम इसे भी कट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कट किया था मैं, तो उसका सोल्डिंग हटाऊंगा सिर्फ। दोस्तों आप इन इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी अगर आप काम करते हो, तो मैं तो फ़िलहाल हाथ से कर रहा हूँ, यानी कि आपको कुछ लग सकता है, ये थोड़ा डेंजर होता है, तो आप हैंड ग्लोव वगैरह पहनकर प्रोटेक्शन लगा कर ही काम करें। इलेक्ट्रॉनिक का आपको शॉक वगैरह लगने का भी डर रहता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर करके बताता हूँ। ये देखिए मैंने इसके दो नंबर पिन को भी कट कर लिया है। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन का था हमारा, यानी कि ओवरलोड डिटेक्ट का। तो अब हम इसे देखते हैं। चलिए मैं इसे फिर से एक बार पावर प्लग करता हूँ। ये देखिए हमारा सोनी लिख कर आया है। अभी हम इसे गेम मोड पर डालेंगे। नहीं दोस्तों अब नहीं जा रहा है प्रोटेक्शन पे, देखिए अभी फिर से मैं इसका वॉल्यूम भी फुल कर लेता हूँ। ये देखिए इसका वॉल्यूम भी फुल कर लिया है, और आप देखिए प्रोटेक्शन पे नहीं जा रहा है। फिर से हम इसे ऑफ़ करेंगे, यही से ऑफ़ करने के। ये देखिए ऑफ हो चुका है, स्टैंड बाय में गया। अब इसे स्टैंड बाय से फिर से ऑन करेंगे हम। देखिए ये हमारा गेम मोड ऑन हो चुका है, और ये हमारा वॉल्यूम भी फुल पोजीशन पे है। मैं एक बार इस पर आपको ऑडियो बताता हूँ लगाकर। देखिए मैं इसमें ऑडियो इन करता हूँ, इसका नॉर्मल सा ऑडियो आपको बता सकता हूँ, यानी कि कॉपीराइट मेरे चैनल पर आए ना। देखिए आपको थोड़ा साउंड का आवाज़ आ जाएगा, एयरफोन लगा लीजिए। ये देखिए जैसे हम इनपुट देते हैं इस स्लाइड में एलईडी जितनी भी है वो ब्लिंक करना चालू हो जाएगी, यानी कि इंडिकेशन बताएगी वियोमीटर टाइप। देखिए जैसे मैं पिन को लगाता हूँ उस पर रेड एलईडी आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ज़्यादा सुना नहीं सकता आपको सॉन्ग, मेरे ऊपर कॉपीराइट आ जाता है ऑडियो पर। ये देखिए ये हमिंग वगैरह आप सुन सकते हो। तो इस टाइप का दोस्तों हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो आप इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हो। और थोड़ा नॉलेज रखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ को आपको रिपेयर करना है तो आपको उसका प्रॉपर नॉलेज रखना है, उसी के बाद उसे आप रिपेयर कर पाओगे। और दोस्तों चैनल पर नया आए हो तो चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिए, उससे आपको नए नए आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।